हाय एवरीवन, क्या हाल है? लॉकडाउन में चल रही है? तबरी भी चल रही है? चलिए, मैं आज आपसे कुछ खास हल्की फुल्की बातें शेयर करता हूँ। यकीन माने दोस्तों, लॉकडाउन में घर के अंदर बंद रहकर मैंने जिंदगी के चंद अखंड सत्यों के बारे में जाना है। सबसे पहला ये कि झाड़ू लगाते हुए आगे जाना होता है और पोछा लगाते हुए पीछे जाना होता है। और मैं इस रिसर्च में इतनी गहराई तक पहुंच गया हूं कि मैंने ये भी पता लगा लिया है कि पोछा अगर आपकी वाइफ ने लगाया हो तो ना आगे जाना होता है ना पीछे जाना होता है। जब तक फर्श सूख ना जाए तब तक जहां हो वहीं पर रहना होता है, वरना बिना कोरोना पड़ सकता है रोना। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो दिन भर टीवी पर, रेडियो पर, इंटरनेट पर कोरोना वायरस पे खबर सुनना चाहते हैं तो प्लीज स्टॉप इट। 24 घंटे में वो दो चार न्यूज ही है जो बार बार रिपीट करते हैं। अब मुझे देखिए, मैं रोज सुबह 5 मिनट अपडेट लेता हूँ और रोज शाम को 5 मिनट अपडेट लेता हूँ। बाकी समय क्या करता हूँ? अरे बताया ना, झाड़ू मारते हुए आगे, पोछा मारते हुए पीछे। एक और अखंड सत्य मैंने जाना है, वो ये है कि सीलिंग फैन के जो पंख होते हैं वो नीचे से साफ होते हैं और ऊपर से गंदे होते हैं, और कपड़े धोने के बाद में उन्हें इनसाइड आउट सुखाया जाता है वरना उनका रंग फेड हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन को सजा मत समझिए, लॉकडाउन का मजा लीजिए। हर रोज कोई नई चीज सीखिए और अगर हो सके तो औरों को भी सिखाइए। और हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान कुछ खास बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और वो क्या बातें हैं मैं आपको अपने अंदाज में बताऊं। कर रहा है लोगों को बीमार कोरोना, चाइना से आया ये बेकार कोरोना, साबुन से धोना हाथों को बार बार, घर से निकलने का तो करना ना विचार। हो मिलजुल के हमने इस वायरस को धोना, घर पे बैठे हो तो उदास ना होना, जीतेंगे हम जाएगा हार कोरोना। Thank you.